तो दोस्तों आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक समरसिबल पंप जो कि है V3 का, और इसे करूँगा मैं अनबॉक्स। और ये हमारे जो मुन्ना भैया के साथी हैं लवड़ू ललित, वो करेंगे अनबॉक्स। इसको करते हैं अनबॉक्स दोस्तों। ये जो है 1 HP का है, 12 स्टेज सिंगल फेस है। इसके ऊपर मार्कर से लिखा हुआ है। अब इसी को करते हैं अनबॉक्स। स्टिक तो हटा दी है, अब इसको बॉक्स के बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये पंप दिखता कैसा है। तो दोस्तों इसमें कुछ कील वगैरह लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे हम पेचकस की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। पिंचिस लिया, पिंचिस। तो दोस्तों ये पिन निकल चुकी है, बस एक आध पिन और रह गई है इसकी। ये देखिए दोस्तों, पंप जो है ओपन हो चुका है यहाँ से। अब इसको हम बॉक्स से बाहर निकालेंगे। ये जो है इसका ये वाला हिस्सा मोटर का है, और ये जो है ये पंखे का हिस्सा है। देख सकते हैं आप कि ये 1 इंची का है, जो कि है इसमें 1 इंची होस कर लगेगा। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। ये है इसकी पंखे टेम्पलर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग जो पूछते हैं, भैया हमें जो है 4 इंची बोर के लिए पंप बताएं, 4 इंची बोर के लिए पंप बताएं, 4 इंची क्रेसिंग के लिए। तो ये जो पंप होता है दोस्तों V3 का, ये 4 इंची क्रेसिंग में परफेक्ट तरीके से चला जाता है, बड़ी प्यार से, बड़ी आसानी से। तो 4 इंची क्रेसिंग के लिए ये पंप होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1 HP, और पास से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए 1 HP V3 है, 12 स्टेज। एक HP V3 12 स्टेज। इसका हेड साइज जो है 144। मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है। क्वालिटी का तो दावा किया गया है, पता नहीं कैसी क्वालिटी है। और ये है इसका मोटर, ये थोड़ा सा भारी है। यहाँ पे कंपनी कुछ निर्देश दिए हुए हैं कोई पानी वगैरह डालने का, और ये नीचे कुछ जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये पंप जो है 4 इंची क्रेसिंग के लिए परफेक्ट है। सिंगल फेस का है, आप एक फेस यानी अर्थ फेस से इस मोटर को चला सकते हैं। और इसके साथ एक जाली भी दी हुई है, जो वो पड़ी हुई है जाली, यानी कि इसमें नीचे साइड लगती है ताकि धूल मिट्टी कचड़ा वगैरह अंदर ना जाए, तो पंखी ख़राब ना हो, बुस ख़राब ना हो उसके लिए। तो दोस्तों अगर आप 4 इंची क्रेसिंग है आपके पास, और घरेलू पर्पज़ पे आप इस पंप को बकायदे आप चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीने लायक पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। बाकी इस पंप से आप सिंचाई ज़्यादा कर नहीं सकते हैं खेती बाड़ी के हिसाब से। अगर थोड़ी मोड़ी बाड़ी है आपकी, 1-2 बीघा, तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी आप ये पंप जो होता है घरेलू पर्पज़ के हिसाब से सही है। और इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी V4 पंप की, वो 5 इंची क्रेसिंग में चला जाएगा। वो उस पंप से आप सपोज कुछ खेती आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे पास कुछ पंप पड़े हैं दोस्तों, जैसे कि एक ये पड़ा है V4 का, ये V6 का है, ये V3 का है, एक वो V4 का है, एक V4 का ये है। तो आपको जिस पंप की जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे कुछ मेरे पाइप पड़े हुए हैं लपेटा बोरी वाले, इस विषय में भी अगर जानकारी चाहिए तो बताना। यहाँ पे केबिन है, रस्सा है, और कुछ सटक वगैरह, ये क्रेसिंग पड़ी हुई है। क्रेसिंग मेरे पास सभी साइज़ की पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। तो जिस विषय में भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।